भाइयों बहनों, बंगाल में यहां का जो सरकारी कर्मचारी है वह आज भी चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही वेतन प्राप्त कर रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हमारे पास 14 लाख कर्मचारी है और 14 लाख कर्मचारियों को हम लोगों ने सेवंथ पे कमीशन दिया है, सातवां वेतन आयोग दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर वहां का फोर्थ क्लास का कर्मचारी जितना वेतन पाता है, बंगाल के अंदर प्रथम श्रेणी का अधिकारी भी उतना वेतन नहीं पाता है। ये यहाँ की सरकार के द्वारा शोषण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अगर आपको देखना है तो हुबली से बहती हुई माँ गंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज का कुंभ का आयोजन हुआ था, अविरल गंगा निर्मल गंगा का संकेत हमने दिया था, लेकिन माँ गंगा जब बंगाल में आती है तो यहाँ दम तोड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार को कोई चिंता ही नहीं कि माँ गंगा के बारे में भी कुछ करना है। आप जानते होंगे सिंगूर का उद्योग के बारे में कितनी चर्चा हुई थी, नैनो कार की कितनी चर्चा हुई थी, उद्योग भी बंद हो गया, प्लान कर गया, लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग नहीं लग रहा है। किसानों को जमीनें वापस नहीं मिल पाई हैं। टाटा का नैनो कार देश के अंदर चली गई, लेकिन बंगाल में न किसानों को जमीन मिली, न नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल पाई, और न ही यहाँ के हितों को यहाँ की सरकार कोई नया संबल ही प्रदान कर पाई।